नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि शब्द की व्युत्पत्ति यानी संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द बना कैसे, इसमें सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय, इन तीनों से संधि शब्द बना है। इसके बाद संधि शब्द की परिभाषा वो है वर्ण मेलनम संधि। वर्ण मेलनम संधि यानी दो वर्णों का मिलान, जैसे ए प्लस ए या के प्लस ए, इन दोनों को मिलाना यानी दो वर्णों को मिलाना, दो वर्णों का मेलनम, दो वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से दो वर्णों को मिलाना संधि कहलाएगा, ये इसकी हुई परिभाषा। अब इसी परिभाषा को पाणिनि ने क्या बताया है, यानी पाणिनि ने या पाणिनीय परिभाषा वो होती है इसकी, यानी इसकी पाणिनि ने क्या परिभाषा दी, वह दी पर समीकृशः संहिता, ये परिभाषा पाणिनि दी। इसका अर्थ क्या है, पर यानी परस्पर, समीकृष यानी वर्णों की समीपता, संहिता यानी संधि, यानी परस्पर वर्णों की समीपता संधि है। वही बात वर्णों का मिलान करना या दो वर्णों का मेल, तो ये जो परिभाषा पाणिनि ने दी थी। इसके बाद संधि के भेद यानी संधि भेदाः, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के भेद होते हैं त्रियो भेदाः, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक पे है अच संधि, जिसे हिंदी में स्वर संधि भी कहते हैं, यानी स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। इसके अंदर अच का मिलान अच से ही होता है, यानी स्वर स्वर से ही मिलता है। दूसरा भेद है हल संधि, हल संधि जिसे हम हिंदी में व्यंजन संधि भी कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। इसमें व्यंजन के साथ अच या हल जुड़ते हैं। तीसरा भेद है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग के साथ अच या हल जुड़ते हैं। इसके बाद संधियों की पहचान कि हम लोग
पहचान के कैसे बता सकते हैं, पहचान के पता कैसे कर सकते हैं कि इसमें स्वर संधि है, हल संधि है या विसर्ग संधि है, कौन सी है? तो उसके लिए सबसे पहले जो संधि है वो है अच संधि। अब अच संधि की पहचान क्या है? अच संधि की पहचान है, अच संधि की पहचान होगी मात्रा प्लस स्वर, मात्रा प्लस स्वर। यानी जहां मात्रा प्लस स्वर का संबंध है वहां शत प्रतिशत स्वर संधि ही होती है, दूसरी कोई संधि नहीं होती। कैसे है? जैसे लिखा राम प्लस अवतार, तो देखिए यहां ए की मात्रा है, यहां ए स्वर है, ये जो ए है वो मात्रा का है और ये ए है ये मूल स्वर का है, तो संबंध क्या रहा? मात्रा प्लस स्वर का। अब ये संबंध है तो स्वर संधि है, यदि ये संबंध नहीं होता स्वर संधि होती नहीं। जैसे देखो उदाहरण लिखा वृक्ष प्लस छाया, अब यहां देखिए यहां मात्रा ए की है लेकिन आगे छ है, स्वर नहीं है, तो यहां स्वर संधि भी नहीं है। तो ये स्वर संधि की पहचान है, यानी अच संधि की पहचान मात्रा प्लस स्वर यदि है तो अच संधि होगी। इसके बाद एक बार हल संधि को छोड़ देते हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहचान क्या होगी? विसर्ग संधि की पहचान होगी ये जो बीच में दो शब्दों के बीच में जो प्लस का निशान लगा होता है, दो वर्णों के बीच में जो प्लस का निशान लगा होता है, इसके इधर बायीं ओर यदि विसर्ग लगा हुआ है तो संधि विसर्ग संधि रहेगी। जैसे लिखा निधन रसः, अब आपको देखिए प्लस के इधर विसर्ग लगा हुआ है, तो प्लस के इधर विसर्ग लगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अब पहचान आती है हल संधि की, हल संधि की पहचान जहां ना ही तो स्वर हो, स्वर भी ना हो और विसर्ग भी ना हो, वहां वहां हल संधि होगी, सिंपल सी पहचान। तो ये इतना अपना संधि का प्रारंभिक ज्ञान, यानी जिसको बेसिक कहते हैं वो क्या संधि में जो संधि शब्द की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति यानी संधि शब्द बना कैसे, वो अपन को पता है कि समुपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से संधि शब्द बना। फिर इस संधि शब्द की परिभाषा क्या है? इस संधि शब्द की परिभाषा है वर्ण मेलनम संधि, यानी दो वर्णों का मिलान संधि कहलाता है। अब इसकी परिभाषा को पाणिनि ने क्या कहा, इसकी परिभाषा पाणिनि ने क्या दी? तो वो है पाणिनीय परिभाषा, वो दी परा सन्निकृषा संहिता, यानी परस्पर वर्णों की संहिता संधि होती है। फिर आता है संधि भेदा, संधि के भेद, तो संधि के त्रियो भेदा, तीन भेद होते हैं। पहला होता है अच संधि, यानी जिसे हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, इसके अंदर अच का अच से मिलान होता है, यानी स्वर का स्वर से मिलान होता है। दूसरा भेद है हल संधि, इसमें हल संधि यानी हिंदी में जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, इसमें हल के साथ अच और हल के साथ हल का भी मिलान होता है। तीसरा भेद है विसर्ग संधि, जिसमें विषय के साथ अच भी मिलता है और विषय के साथ हल भी मिलता है। ये तो थे भेद। अब पहचान, यानी कि हम उस उदाहरण को देखकर कैसे पहचानेंगे इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? तो पहचान है अच संधि की, जो पहचान है वो है मात्रा प्लस स्वर। विसर्ग संधि की पहचान है इस प्लस के इधर विसर्ग रहेगा, बाई ओर विसर्ग रहेगा। हल संधि की पहचान है कि जहां ना ही तो स्वर संधि हो ना ही विसर्ग संधि हो, वहां
हल संधि होती है। तो ये प्रारंभिक ज्ञान था। अब आगे अपन आगे चलते हैं। आगे है जो अपने संधि के तीन भेद पढ़े हैं उनको विस्तृत अपन पढ़ लेते हैं। पहला भेद है, जो पहला भेद है वो है अच संधि। अब अच संधि क्या है? अच संधि में द्वयो स्वरयो मेलनम्, अच्छा यानी दो स्वरों का मिलान स्वर संधि होता है, यानी अच संधि होता है। जैसा कि अपन ने पहचान में पढ़ा था, मात्रा प्लस स्वर, दोनों स्वर है, ये भी स्वर रहता है, ये भी स्वर, तो दो स्वरों का मिलान अच संधि कहलाता है। अब इस अच संधि के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो इसके जो प्रकार, इसके प्रकार रहते हैं अष्ट, आठ प्रकार है। अब आठ प्रकार कौन कौन से हैं? वो है, पहला प्रकार है यण संधि, दूसरा है आयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा सवर्ण दीर्घ, छठा है पूरव रूप, सातवां है पर रूप, और आठवां है प्रकृति भाव। ये आठ इसके प्रकार है। अब इनमें आदेश रहता है, आदेश इनमें कहां होगा? आदेश का मतलब, जैसे हम दो वर्णों को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते वक्त बदलाव किस में हो रहा है? जैसे मान लो ये पूर्व वर्ण है, ये पर वर्ण है, भी जोड़ते समय बदलाव किस में हो रहा है? कहीं तो पूर्व वर्ण में होगा, कहीं दोनों में होगा, दोनों मिलेंगे, और कहीं बदलाव होगा ही नहीं। तो इस बदलाव को कहते हैं आदेश। कि ये आदेश कहां होगा? तो देखिएगा, ये जो यण आयादि संधि है, इसमें पूर्व वर्ण पर आदेश होता है। जो आदेश होगा वो पूर्व वर्ण पे होगा। कैसे होगा? जैसे अभी अपन ने देखा इति प्लस आदि, ये उदाहरण लिखा होगा, या ई की मात्रा या आदि मात्रा। अब पूर्व वर्ण ये है कि जो परिवर्तन या बदलाव होगा वो ई में होगा, तो यानी यण आयादि में पूर्व वर्ण पर आदेश होता है। गुण से लेकर पर रूप तक इसमें जो आदेश होता है पूर्व व पर, दोनों पर आदेश। यानी यहां दोनों पर आदेश रहता है। जैसे मान लो अपन ने आ प्लस ए ये मिलाया, तो ये जो दोनों जुड़ेंगे इन दोनों का क्या बनेगा? वो दोनों के स्थान पर आदेश। फिर आपका है प्रकृति भाव, इसमें कोई आदेश नहीं होता, कोई आदेश नहीं होगा। तो ये अच संधि के आठ प्रकार। तो आज के लिए इतना ही।
कलम फिर इसीलिए आज संधि के एक बिंदु को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं।